इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक महान नेता थी, जिन्होंने न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी साहस, दृढ़ता और संकल्प की एक प्रेरक गाथा है। प्रारंभिक जीवन। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा के जीवन में बचपन से ही राजनीति का वातावरण था। उन्होंने अपने शिक्षा शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त की। संघर्ष का समय। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें अपने जीवन में कई व्यक्तिगत और राजनैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पति फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को अकेले ही संभाला और राजनीति में अपनी जगह बनाई। प्रधानमंत्री बनना। 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस समय भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य संकट प्रमुख थे। इंदिरा गांधी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता से इन चुनौतियों का सामना किया। 1971 का युद्ध। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह इंदिरा गांधी की कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। आपातकाल। 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया। यह निर्णय विवादास्पद रहा, लेकिन इंदिरा का विश्वास था कि यह देश की स्थिरता के लिए आवश्यक था। उन्होंने कठोर निर्णय लिए, जिनसे उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे हमेशा देश के कल्याण के लिए था। संघर्ष की प्रेरणा। इंदिरा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियों क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इंदिरा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा देश की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी कहानी हमें साहस, नेतृत्व और निस्वार्थता की प्रेरणा देती है। अंततः 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। इंदिरा गांधी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने देश और लोगों के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। उनका जीवन और संघर्ष हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।